नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आज बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा को लेकर। जी हां, बिहार में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक है, पार्टियों में लगातार हलचल देखने को मिल रही है। ऐसे में माना ही जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से सीटों को लेकर बड़ा अड़ंगा डालने वाले हैं। वही देखा जाए तो जीतन राम मांझी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट में जगह देती हुई नजर आई और उनको आगे करने की कोशिश कर रही है, इससे लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में जीतन राम मांझी का जो कद वो बढ़ने वाला है। वहीं नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिद है सीटों को लेकर, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सख्ती उनके लिए दिखाते हुए नजर आए। और चिराग पासवान भी आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगे हैं, भी भारत बंद को उन्होंने सपोर्ट किया, तो इससे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर खाने में ही फूट और कलह की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सम्राट चौधरी भी बयान देते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं, भारत बंद को गलत बताते हैं, वहीं चिराग पासवान उसको सही बताते हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार ये मुद्दा जो है कहां जाकर टिकता है। क्या इस बार सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कॉम्प्रोमाइज करेगी या नीतीश कुमार को फिर से एक बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मनीष मौजूद है। मनीष, क्या लगता है कि बिहार की जो हवा है, राजनीतिक हवा, किस तरफ जाते हुए नजर आ रही है? जिस तरीके से जीतन राम मांझी और चिराग पासवान और यहां पर देखेंगे नीतीश कुमार का एक त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रहा है, आखिरकार बाजी कौन मार सकता है, क्या लगता है? जी बिल्कुल माही, देखिए जिस तरह से फिलहाल बिहार के अंदर सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है विधानसभा चुनाव को लेकर, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है फिलहाल नीतीश कुमार की जो जेडीयू है उसकी स्थिति फिलहाल मजबूत है। और ऐसे में देखा जा रहा है एनडीए जो है वो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच इतनी तीखी नोकझोंक होने के बाद, इतने सियासी बयानबाजी करने के बावजूद यहाँ पर एनडीए कोई बड़ा फैसला लेती हुई नजर नहीं है, ना तो नीतीश कुमार को लेकर ना ही सम्राट चौधरी को लेकर। तो स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एनडीए गठबंधन के माध्यम से सरकार बने, नीतीश कुमार ही बिहार के 10वीं बार सीएम बनते हुए नजर आए। अब देखना दिलचस्प होगा जिस तरह से यहां पर चिराग पासवान सीएम पद की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं जीतन राम मांझी की अगर बात करें तो वो 25 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें एनडीए के समर्थित दल ही बिहार के अंदर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर यही स्थिति बिहार विधानसभा चुनाव तक रही तो बेशक यहां पर नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और नीतीश कुमार को अगर खतरा पहले ही समझ में आ जाता है तो नीतीश कुमार शायद आरजेडी की तरफ मुड़ते हुए नजर आएंगे और आरजेडी जेडीयू के माध्यम से बिहार के अंदर सरकार बनती हुई नजर आएगी। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को सम्राट चौधरी को, जीतन राम मांझी को और साथ ही चिराग पासवान को एक बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर नजर आ सकता है। भाई जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी बिहार में समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, इससे ये तय हो गया है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खेला करने की फिराक में है। तेजस्वी यादव यही घात लगा के बैठे हैं कि इस बार नीतीश कुमार को फिर से साथ लिया जाए और जिससे चाहे गठबंधन में ही बिहार में फिर से सरकार बनाई जाए। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से नीतीश कुमार को जाने देगी या फिर इस बार विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पाले में करने की कोशिश करेगी, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का आखिरकार क्या रुख रहने वाला है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।